अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बंगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें आचार्य पंडित चक्रदेव जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर सभी देवी देवताओं का आवाहन कर अग्नि प्रज्वलित कर हवन का शुभारंभ किया। मां बंगलामुखी हवन यज्ञ में मुख्य यजमानों के रूप में उपस्थित हुए भक्तों ने हवन में आहुतियां देकर पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर गुरु माता नीरज रतन सिकंदर जी, देवेश्रम सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, अंकुर मल्होत्रा, डॉक्टर मुकेश अरोड़ा, डॉक्टर मुकेश यादव, उषा देवी, मीना शर्मा, ललिता, नीलम रानी सहित असंख्य भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आप सबको माँ भगवती का जो सानिध्य प्राप्त हुआ, आप बड़भागी है कि अपने कीमती समय में अपने आराध्य के लिए आप समय निकालते हैं और समय निकालकर आपने जो भी मनोकामना है वो माँ भगवती के इस पावन चरणों में अर्पित करते हैं। तो आज का ये विशेष जो महायज्ञ है, ये मेरे बहुत ही अजीज अनंत परिवार के लिए मैं आज यहाँ उन पर विशेष कृपा प्राप्त हूँ, उनके लिए आज विशेष पूर्ण होती होगी। और इंग्लैंड में बैठे हुए वो इस जो महायज्ञ को देख रहे हैं, मैं उनका आभारी हूँ कि उन्होंने माँ भगवती का इस यज्ञ में अपनी पूर्ण होती के लिए उन्होंने अपना अनुदान किया और श्रमदान किया। सरदारनी गुरमीत कौर घुम्मन, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी एवं अंतिम अरदास गुरु द्वारा श्री गुरु सिंह सभा मॉडल टाउन जालंधर में की गई। इस मौके पर श्री दरबार साहिब के हजूरी रागी जत्थे भाई जसवंत सिंह ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय सरदारनी गुरमीत कौर घुम्मन की आत्मिक शांति हेतु अरदास की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विच, सांसद सुशील रिंकू, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व CPS KD भंडारी विजय खुल्लर, ML चोडा, संजीव शुक्ला, प्रदीप कुमार, बांके लालपुरी, सुरेंद्र खुल्लर, वरिंदर खुल्लर, जगजीत सिंह गाबा, तरुण सिक्का, अमित कुकरेजा, सौरभ खुल्लर, सुमित शर्मा, बलराज ठाकुर, अरुणा अरोड़ा, हरजिंदर सिंह लाडा सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय सरदारनी गुरमीत कौर घुम्मन को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਸੰਗ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸੁਪਤਨੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਲੀ ਘੁੰਮਣ, ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਾਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਬਤ ਸਾਹਾ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲ ਕਰ ਪਾਵੋ ਤੇਰ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸਿਸੜੀਆਂ ਜਿਉਂ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉਂ ਮੇਰ।